हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में शाल बनाना बता रही हूँ। देखिए इस प्रकार से बनता है ये। सबसे पहले मैंने इसको बनाने के लिए इसमें 26 चैने पहले से डाल के रखी हैं। 26 चैने डालने, उसके बाद 3 चैने फिर डालनी। देखिए 3 चैने डालने के बाद ये मेरी चौथी वाली चैन में एक बीज बनाना है। देखिए अब मैंने 7 बीज बना लेने हैं। एक बीज तो मेरा, ये जो 3 चैने डाली थी मैंने, उसका बन गया। 6 बीज और बना लें। ये देखिए 3, 6, 7 मेरे 7 पीस बन गए हैं। अब 8वीं वाली चैन में मुझे 2 पीस बनाने हैं। देखिए 7 पीस बन गए। अब मैंने 8 पीस फिर बनाने हैं। ये मेरे 8 बीज बन गए हैं। यहाँ पे मैं 9 बीज बना लूँगी। देखिए मैंने 9 बीज बना लिए हैं। अब फिर मैंने अगले बीज में, सॉरी चैन में 2 बीज फिर से बनाने हैं। अब मैंने 8 बीज फिर बनाने हैं। ये देखिए मेरा पहला राउंड बन के तैयार हो गया है। इस प्रकार से अब मैंने अगला राउंड बनाना है। उसके लिए सबसे पहले मैंने 3 चैने डालनी है, इसको टर्न करना है। देखिए अब मैंने क्या करना है, इसमें जहाँ पे मैंने 2 चैने डाली थी वहाँ पे मैंने 4 चैने डालनी है। ये देखिए ये पहला वाले में चैन को मैंने, ये वाली को छोड़ देना है क्योंकि ये मेरा बीज ये वाला बन गया है। अब मैंने इसमें डालना है। ये देखिए मैंने अब इसके बीच में जो मैंने ये दो, एक चैन में 2 बीज बनाए थे, अब मैंने उसमें 4 बीज बनानी है। 2 बीज बनाने के बाद एक चैन डालूंगी मैं, फिर इसमें 2 बीज बनाऊंगी। देखिए फिर से मैंने सभी बीजों पे एक एक पीस बनाते जाना है, कोई भी बीज मैंने छोड़ना नहीं है।
ये देखिए हमारे फिर से ये दो बीज आ गए हैं जो मैंने एक चैन में दो बीज इकट्ठे डाले थे, वहाँ पे फिर मैंने दो बीज के ऊपर चार बीज डालने हैं। ये देखिए दो बीज डालने के बाद मैंने एक चैन डालनी है, दो बीज वहीं से फिर डालने हैं। अब जो मेरे सारे बीज बच गए हैं सभी पर मैंने एक एक बीज बना देना है। ये देखिए मेरा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमने टर्न करने लेना है। अब मैंने फिर से तीन चैने बनानी है। देखिए ये हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया है। अब हमने क्या करना है देखिए मैं बताती हूँ आपको। दो सभी बीजों पे एक बीज पे एक बीज बनाते जाना है अभी, जब तक हमारे ये चार बीज नहीं आते जो मैंने इकट्ठे बनाए थे। चाहे तो आप इसको गिनकर भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये मेरे चार बीज आ गए। जो चार बीजों में जो पहले वाला बीज है इसमें मैंने दो बार बनाना है, सॉरी एक बार बनाना है इस पहले वाले बीज में। और ये मैंने एक चैन डाली थी इसका ये एक होल बन गया है, इसमें मैंने चार बीज बनाने हैं। दो बनाने के बाद मैंने चैन डालनी है, फिर मैंने इसमें दो बीज बनाने हैं। देखिए चार बीज थे मेरे पास, ये वाले पहले वाले में मैंने एक बीज बनाया, फिर सेंटर में मैंने चार बीज बना दिए, और फिर मैंने इसके ये चार वाले चौथे में फिर एक बीज बना दिया। फिर मैंने आगे तक चार बीज आने तक यहाँ तक सभी बीजों पे एक एक बीज पर एक एक बीज बना लेना है। ये बीज थोड़े से लंबे बनाने हैं, थोड़े से खींच के लंबे। ये देखिए मेरे चार बीज आ गए हैं। ये पहले वाले में मैंने एक बीज बनाना है, फिर सेंटर में यहाँ पे मैंने चैन डाली थी वहाँ पे मैंने चार बीज बनाने हैं, दो बीज बनाकर एक चैन डालनी है, फिर दो बीज बनाने हैं। ये देखिए ये मैंने लास्ट वाले जो चार बीजों का है उसमें फिर से मैंने एक चैन बीज बना लिया है। अब मुझे जो बीज ये सारे बीज बच के सभी पर मैंने एक बीज के ऊपर एक बीज बना देना है और राउंड को पूरा कर देना है। ये देखिए मेरे तीन राउंड बन गए। अब मैंने इसको टर्न करना है। अब फिर से मैंने तीन चैनें डाल लेनी है। अब मेरा फोर्थ राउंड स्टार्ट हो गया। अब मैंने क्या करना है देखिए
अब मैंने सात, अब मैंने इसके ऊपर नहीं डालना है, चैन के ऊपर इधर होल में से डालना है, ये वाले होल में से। एक तो मेरा ये वाला ही हो गया इस प्रकार, देखिए। अब मुझे अगले वाली होल में डालना है, यहाँ से चैन में नहीं डालना, यहाँ से डालना है। देखिए मेरे तीन, छः, देखिए ये मेरे चार, जो मेरे चार बीज इकट्ठे डाले थे वो दो, उससे पहले वाले दो बीज छोड़ देने हैं, यहाँ तक डालना है मैंने। ये मेरे कितने बीज हो गए, तीन, आठ बीज हो गए मेरे। आठ बीज डालने के बाद मैंने नौ चैने डालनी है, नौ चैने डालने के बाद मैंने क्या करना है, दो तो ये छोड़ दी, चार मैंने ये जो इकट्ठे डाले थे वो भी छोड़ दिए, और दो उसके आगे छोड़ दिए। मैंने दस चैने डाले थे मैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके आगे वाली में चार चैने छोड़, चार वाले बीज बनाने के बाद एक आगे छोड़ देना है उसके, ये वाले यहाँ पे होल में, देखिए। कुल टोटल मैंने सात बीज छोड़ दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे सभी में एक एक डालना है, देखिए। मैंने बीच में ये चैन में नहीं डालना है, यहाँ बीच में ऐसे डाल के बनाना है, देखिए। अब मैंने फिर सात बीज छोड़ देने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, दस चैने बना लेनी है। देखिए ये मैंने तीन, ये देखिए मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैंने फिर से तीन चैने डालनी है, ये देखिए मेरे चार राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं पांचवें राउंड पे आ गई हूँ, ये वाले राउंड पे। अब मैंने क्या करना है, ये तो मेरा हो गया, इसको छोड़ के, ये वाले को छोड़ के मैंने इसमें डाल लेना है, अब मैंने नेक्स्ट अगली वाली होल में चार बीज बनाने हैं, इसमें मैंने कोई चैन नहीं डालनी है, ये देखिए। ये मैंने एक छोड़ देना है, फिर अगले वाले में फिर मैंने एक चैन बना, एक सॉरी एक बीज बनाना है, फिर मैंने अगले वाले में फिर से चार बीज बनानी है। देखिए ये जो मेरा बच गया इसमें मैंने एक बीज बना लेना है। ये मैंने दस चैने डाली थी, मैंने दस चैनों के ऊपर दस बीज बना लेने हैं।
ये देखिए मेरे 10 पीस बन गए हैं। फिर मैंने आगे हर एक पीस में हर एक पीस डाल देना है। देखिए अब मैंने यहाँ पे एक पीस बनाना है, एक को छोड़ के फिर अगले में मैंने फिर से 4 बनाने हैं। देखिए फिर मैंने एक पीस को एक होल को छोड़ देना है, अगले होल में मैंने फिर से एक पीस बनाना है, फिर मैंने ये एक छोड़ देना है, अगले वाले में 4 बनाने हैं। यहाँ पे मैंने फिर 4 पीस बनाने हैं। अब मैंने एक पीस फिर छोड़ देना है। एक पीस छोड़ के मैंने आगे वाले में फिर 4 पीस बना देने हैं। ये देखिए 4 पीस बन गए। अब मैंने 10 चैनें डाली थी, 10 चैनों पर मैंने फिर से 10 पीस बना देने हैं। ये देखिए ये मेरे 10 पीस हो गए हैं। ये मेरे 10 पीस हो गए हैं। मैंने फिर इसमें एक पीस डालना है, फिर एक छोड़ के जैसे मैंने यहाँ पे डाला था 4 पीस डालने हैं एक छोड़ के। फिर मैंने एक पीस डालना है, फिर मैंने एक छोड़ के 4 पीस डाल देने हैं। देखिए अब मैंने एक यहाँ पे एक पीस डाल देना है इस तरह से। अब मैंने 3 चैनें डालनी है और इसको टर्न कर लेना है। अब मैंने क्या करना है, ये ऊपर वाले बनानी है फूल। ये मैंने क्या करना है, हर एक बीज के ऊपर 2-2 बनाते जाना है, हर एक बीज के ऊपर। ये देखिए एक तो मेरा ये वाला हो गया, एक मैंने ये ले लिया। मैंने हर एक के बीज के ऊपर 2-2 बीज बनाते जाने हैं इस तरह से। ये देखिए 10 बीज डालने के बाद एक बीज डालना है, 3 का एक कर देना है, फिर से 10 बीज डालने हैं, एक चैन में एक बीज में 2-2 बीज बनाने हैं। जब 10 बीज हो जाएं
देखिए ये मेरे फिर से 10 बीज हो गए। अब मैंने यहाँ पे 3 का एक कर दी। इस तरह से मैंने बनाते जाना है सारे। फिर से मैंने 10 बीज बनाने हैं। ये देखिए मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है, जो देखने में इस प्रकार से लगता है, देखिए ऐसे। अब मैंने क्या करना है, इसको यहाँ पे बंद कर देना है। ये देखिए बंद हो गया है, ये मेरे इस प्रकार से लगेगा। जैसे मैंने इसकी ये बीडिंग बनाई है, अब इसकी सारी इकट्ठी ही बीडिंग हो जाएगी। अब मैं इसकी बीडिंग करके बताती हूँ आपको। ये इसको बैक पोस्ट भी बोलते हैं, इसको मैंने बैक करना है। देखिए मैंने इधर से ले लूँगी इसको, यहाँ से। इसकी गांठ लगा सकते हैं आप। मैंने इसको यहाँ पे सील कर दिया है। अब मैंने क्या करना है, हर एक चैन के ऊपर इसको डालते जाना है। देखिए इस प्रकार मैंने पहले भी बताया था, उसको बैक जाना है। चैन में से हुक को डाला और ये 2 का एक कर दिया। हर एक चैन में डालना है, कोई भी चैन छोड़नी नहीं है बीच में। ये देखिए ये देखिए ये मैंने 10 डाली अपने, जो मैंने 10-10 के बाद ये मैंने एक डाला था धागा, बिना धागा लिए 2 का एक किया था, उसको मैंने यहाँ से उठाना है, नीचे से, यहाँ से नीचे से। मैं थोड़ा सा लंबा धागा आ जाएगा, इसको खींच लेना है। सभी फूलों में एक समान धागा लेना है और बड़ा छोटा नहीं करना है इसको। देखिए मैंने इसी तरह से सारे फूलों पे इसको बना लेना है, और मैं बना के आपको दिखाती हूँ, इसको पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी। देखिए मैंने ये अपनी ऊपर वाली शाल भी कंप्लीट कर ली है, इस प्रकार से बन रही है। देखिए ये भी मेरी ड्रेस बहुत सुंदर बनकर तैयार हो गई है। आप चाहे तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, एक लाइट और एक डार्क डालें तो अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स अगर आपको यह ड्रेस अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और पास वाले बेल बटन को दबाएं। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं, क्योंकि मेरी मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है, इसलिए आप मुझे आप सबका प्यार चाहिए प्लीज़। थैंक यू।